खड़ा हूँ जहाँ पर तपोवन में डैम के ऊपर, जहाँ पर ग्लेशियर बहुत तेजी से आया और पूरा का पूरा जो डैम था उसको एक सैलाब के तरह के से बिल्कुल पाट दिया है। इससे 6 किलोमीटर पीछे रैणी गांव में एक ग्लेशियर फटा था जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। और अभी तक मेरे पीछे की साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फटा हुआ है और पूरी इसके अंदर कई लोगों की मरने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। सुबह से यहाँ पर तैनात ITBP के जवान और उनके अधिकारी मौजूद है जो लगातार अपना रेस्क्यू यहाँ पर किए हुए हैं। ITBP के जो अधिकारी है उनसे हम इस संदर्भ में बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। सर किस तरीके से देखते हैं इसमें आपका आईडी, इसमें आप लोगों ने क्या कुछ किया? जी आप कह रहे जी, सूचना हम लोगों को मिली आज काफ़ी रहा जसराज में, इसमें काफ़ी जान माल का हानि हुई है और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जो रेली गांव है वहाँ से अवलांच आया और डैम को तोड़ा और उसी में लोग बह गए और दब गए। तो आज हमने रेस्क्यू फिर जैसे हमको सूचना मिली, हमारी 1st बटालियन जो कि जोशीमठ में ही तैनात है और साथ में हमारी माउंटेन इंस्टीट्यूट है ओली, वहाँ से हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ सबसे पहले पहुँची। उसके बाद गुजर हम लोग यहाँ पहुँच कर हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिसमें कि आज 16 लाइफ विक्टिम को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। उसके बाद अंधेरा शुरू होने के बाद इसको रेस्क्यू करना और किसी विक्टिम को खोजना ढूंढना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात थी कि इसको हायर कर दिया हमने। तो सुबह मॉर्निंग में वो फिर इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम पूरी ऑल नाइट हम लोग यहाँ पे वॉच करते रहेंगे। हमारी टीम यहाँ पे आती रहेगी बारी बारी से और वॉच करती रहेगी। अगर हमको कोई ऐसा रहता है कि कोई लाइव विक्टिम पड़ा है तो उसे रेस्क्यू करने का प्रयास। देखिए आपने सुना है जिस तरीके से कि ITBP के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम पूरे दिन यहाँ पर मेहनत की है, पूरी रात यहाँ पर डटे रहेंगे और सुबह होने पर फिर रेस्क्यू दोबारा से जारी किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं अभी है, लगातार पानी का जल स्तर जो है बढ़ता नजर आ रहा है। उसी को देखते हुए यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार बनी हुई है रेस्क्यू करने के लिए और यहाँ पर नजरें बनाने के लिए। तेजपाल सिंह चौहान, आज तक, तपोवन। तेजपाल सिंह हमारे संवाददाता सबसे पहले पहुंचे और हादसे की जगह से NDRF के वरिष्ठ अधिकारी से हमारे संवाददाता तेजपाल सिंह ये बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम रात भर नजर बनाए रखेंगे। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। रात में भी राहत और बचाव का काम, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो चलता रहेगा। तो राहत और बचाव के काम में ITBP के जवान रात भर जुटे रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आज तक हादसे की जगह पर पहुंचा है। ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ था, चमोली में, और वहां जहां ग्लेशियर फटने के बाद भारी तबाही हुई थी। आज तक की टीम सबसे पहले पहुंची, NDRF की टीम जो राहत और बचाव के काम में लगी हुई है उसी जगह पर, उससे भी बात की और बात करने के बाद ये कहा गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, वहीं से सीधे ग्राउंड जीरो से तेजपाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ पर तपोवन में डैम के ऊपर, जहाँ पर ग्लेशियर बहुत तेजी से आया और पूरा का पूरा जो डैम था उसको एक सैलाब के तरह के से बिल्कुल पाट दिया है। इससे 6 किलोमीटर पीछे रैणी गांव में एक ग्लेशियर फटा था जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। और अभी तक मेरे पीछे की साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फटा हुआ है और पूरी इसके अंदर कई लोगों की मरने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। सुबह से यहाँ पर तैनात ITBP के जवान और उनके अधिकारी मौजूद है जो लगातार अपना रेस्क्यू यहाँ पर किए हुए हैं। ITBP के जो अधिकारी है उनसे हम इस संदर्भ में बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। सर किस तरीके से देखते हैं इसमें आपका आईडी, इसमें आप लोगों ने क्या कुछ किया? जी आप कह रहे जी, सूचना हम लोगों को मिली आज काफ़ी रहा जसराज में, इसमें काफ़ी जान माल का हानि हुई है और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जो रेली गांव है वहाँ से अवलांच आया और जिसमें डैम को तोड़ा और उसी में लोग बह गए और दब गए। तो आज हमने रेस्क्यू फिर जैसे हमको सूचना मिली, हमारी 1st बटालियन जो कि जोशीमठ में ही तैनात है और साथ में हमारी माउंटेन इंस्टीट्यूट है ओली, वहाँ से हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ सबसे पहले पहुँची। उसके बाद गुजर हम लोग यहाँ पहुँच कर हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिसमें कि आज 16 लाइफ विक्टिम को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। उसके बाद अंधेरा शुरू होने के बाद इसको रेस्क्यू करना और किसी विक्टिम को खोजना ढूंढना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात थी कि इसको हायर कर दिया हमने। तो सुबह मॉर्निंग में वो फिर इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम पूरी ऑल नाइट हम लोग यहाँ पे वॉच करते रहेंगे। हमारी टीम यहाँ पे आती रहेगी बारी बारी से और वॉच करती रहेगी। अगर हमको कोई ऐसा रहता है कि कोई लाइव विक्टिम पड़ा है तो उसे रेस्क्यू करने का प्रयास।
देखिए आपने सुना है जिस तरीके से कि ITBP के जो अधिकारी है उनका कहना है कि हम पूरे दिन यहाँ पर मेहनत की है, पूरी रात यहाँ पर डटे रहेंगे और सुबह होने पर फिर रेस्क्यू दोबारा से जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं अभी है, लगातार पानी का जल स्तर जो है बढ़ता नजर आ रहा है। उसी को देखते हुए यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार बनी हुई है रेस्क्यू करने के लिए और यहाँ पर नजरें बनाने के लिए। तेजपाल सिंह चौहान, आज तक, तपोवन।